भगवान इंद्र ने बीच में जो प्रकार आ गया तो कैसे करना पा, तो आंसर आपको देने जा चुके हैं। इनको आप फिर से समझें, ये सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव है, जो पीछे नियम भी समझाए गए, उदाहरण भी आपको बताए गए, आप फिर से कुछ उदाहरण मैंने लिखा है, इनको ध्यान से समझें। जैसा ये वाक्य है, ही प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मे बी है, ए प्रेजेंट भी। ए प्रेजेंट को पहले लाएंगे, ए प्रेजेंट वाज प्रोमिस्ड टू मी, जहां पर टू लगा दीजिए क्योंकि आपके प्रभाव में आ रहा है, टू लगा दीजिए, प्रोमिस्ड टू मी, और वाई से सब्जेक्ट को जोड़ दिया, वाई ही। इस प्रकार दूसरा है, यू हैव फॉट ए गुड फाइट, तो ए गुड फाइट पहले आ जाएगा आपका, ए गुड फाइट हैज बीन फॉट बाई यू, ये सब्जेक्ट आपका अंत हो जाएगा। इसी क्रम में थर्ड नंबर देखिए, द वाइट मेड रमा कैप्टन, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, रमा भी है कैप्टन भी है, नीचे इसके पहले वाले को लेते हैं रमा को पहले कर देते हैं, रमा वाज मेड कैप्टन, रमा वाज मेड कैप्टन बाय द वॉयज, बाय द वॉयज, लेकिन रमा वाज मेड कैप्टन बाय द वॉयज। अब अगला देखिए, दे चोज हिम देयर लीडर, उन्होंने उसे अपना नेता चुना, उन्होंने चुना, किसे चुना, उसे चुना, तो हिम को हम पहले ले आए, तो यहाँ ही हो जाएगा, टेंस के अनुसार ही वाज चूजन, ही वाज चूजन डियर लीडर, डियर लीडर, ही वाज चूजन डियर लीडर बाय देम, बाय देम, ये सब्जेक्ट आपका जब उतर जाएगा तो प्रोनाउन अपने थर्ड फॉर्म में जाता है, ये माइंड करना है। इस क्रम में अगला सेंटेंस है फाइव, एक्सरसाइज हैज मेड हिज मसल्स स्ट्रांग, तो देखिए हिज मसल्स की आपका ऑब्जेक्ट, इसको पहले लाना, ये देखिए वर्ब के बाद रखा था, अब इसको पहले लाना है बिगिनिंग में स्टार्टिंग, तो हिज मसल्स पहले आ गए, हिज मसल्स अब यह है किसी है हो जाएगी क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ है आता है, हिज मसल्स हैव बीन मेड, हैव बीन मेड स्ट्रांग बाय एक्सरसाइज, बाय एक्सरसाइज, ये आपका यहाँ आ जाएगा बाय एक्सरसाइज, ये किया गया। इस क्रम में ये सेंटेंस के आंसर दिए जाएंगे, ये दो बार नीचे के देखिए, ये आपके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इस प्रकार है, हेल्प वर्ब से शुरू है, Will you run a race tomorrow? Will you run a race? A race को पहले लाएं तो will के साथ a race आ जाएगा, will a race, will a race, be run, will a race be run? Tomorrow by you, tomorrow by you, इस प्रकार से ये सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव में बन गया। अब ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है कि हैव के साथ पैसिव बनाने में बी लगाना है, विल सेल के साथ बी लगाना है, तो विल आर एस बी रन टुमारो बाई यू,
होगा कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो ही के स्थान पर हिज लेसन पहले आ जाएगा, तो वाज हिज लेसन, वाज हिज लेसन बीइंग लर्न। आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का तो कहें बीइंग लर्न बाय हिम, बाय हिम, और इंट्रोगेटिव मार्क्स उसी प्रकार लगा है व्हाट हिज लेसन बीइंग लर्न बाय हिम। इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी प्रकार के वाक्य आपको बनाना है, इंपरेटिव और अन्य सेंटेंस भी आपको कल हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करते अधिक से अधिक वाक्य 35-36 इसके आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा हुआ है। इसलिए मैं इतना ही देता हूँ आपको, अधिक से अधिक वाक्य स्वयं करेंगे और कोई वाक्य नहीं आता है किसी भी समय काल करके आप समझ सकते हैं। Thanks.